जंबो वो भी देखी है आपने, हमारी कैसे होगी ये देखिए। अब ये टूट रही है, जब देखिए अब ऐसे पता चलेगा, जब हम पकड़ेंगे इसको और इसके पीछे छुप जा रहे हैं तब आप लोगों को शायद इसका पता चलेगा। दिख रहे हैं हम आपको, नहीं ना? वाह क्या गोभी है। सभी प्रकृति प्रेमियों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रमिला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हरियाली और जीवन। आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको अपने गार्डन के टूर के साथ साथ कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलीफ्लावर बहुत ज़्यादा लगी हुई है इस समय। तो देखिए ये हमारा गार्डन हरा भरा, ये टमाटर के प्लांट आप देख रहे हैं और ये कुछ फूलों के प्लांट हैं। और इस तरफ देखिए हमारी ये मूली लगी हुई है और ये टमाटर का प्लांट है। और देखिए टमाटर इसमें काफी गुच्छों में अभी लगे हुए भी हैं, फूल भी काफी अभी आ रहा है। तो अब देखिए ये हमारी गोभी और इसका साइज देखिए बहुत बड़ी हो गई है। और इसको अभी हमें 2-3 दिन पहले ही हार्वेस्ट करना था लेकिन लेट हो गए थोड़ा। और देखिए दूसरी गोभी हमारी ये जंबो साइज है, देखिए कितनी बड़ी गोभी है। कम से कम इसका वेट 2-2.5 किलो के आसपास है। और ये भी देखिए अभी ये कुछ छोटी है और वो उधर भी लगी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी भी, ये भी बढ़ रही है अभी लगातार। और देखिए उधर ये सारे हमारे टमाटर के प्लांट। और देखिए फल भी लगातार अभी आ रहे हैं, फूल भी लगातार फूलों से पूरा भरा हुआ है। और ये देखिए हमारा टमाटर का प्लांट इस तरफ भी है। देखिए ये नीचे देखिए पूरा गुच्छे में लगे हुए हैं टमाटर और कुछ पकना भी शुरू हो गए हैं। तो अभी इनको हम थोड़ा कुछ की हार्वेस्टिंग करेंगे तो ऐसे लंबी वीडियो हो जाएगी। हार्वेस्टिंग करते चलते हैं और आप लोगों को दिखाते भी चलते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अपनी इस गोभी से। देखिए इस तरह साइज आपको पता चलेगा कितनी बड़ी गोभी है ये। और इसको हम इधर ऐसे रख लेते हैं और हम अपनी बड़ी वाली गोभी की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। वाह ये देखिए कितनी बड़ी गोभी है ये भी। और गोभी के साथ साथ इनके पत्ते भी बहुत पौष्टिक होते हैं और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं। तो गोभी तो हमारे यहाँ बनेगी ही लेकिन इनके पत्ते भी बनेंगे। अब देखिए ये हमारी इसमें अभी भी काफ़ी गोभी लगी हुई है और इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हो पाई है। ये देखिए 2 ठो अंदर दब गई थी और ये इस ये भी काफ़ी बड़ी गोभी है हमारी। ये भी कम 1.5 किलो लगभग हो गई है बड़ी। उस तरफ भी है ये देखिए सारी गोभियाँ लगभग एक साथ तैयार हो रही हैं। ये भी काफ़ी बड़ी है और ये गोभी देखिए अभी छोटी है, गमलों में लगी हुई थी। हमारे पास इतने ज़्यादा प्लांट थे कि ऑप्शन भी नहीं था कहाँ लगाएं क्या करें। देखिए इतनी छोटी इसमें भी फूल आ गया है, ये इतनी छोटी सी बिल्कुल इसमें भी देखिए फूल आ रहा है। और ये फूल गई है। देखिए तो पहले अभी छोटी छोटी गोभी कई थी
गमले वाली हम हार्वेस्ट कर चुके हैं जरूरत के समय, और ये बीच में थोड़ा कुछ खराब होने लगी है, ये भी छोटी सी है अभी। ये पूरा देखिए, छोटी छोटी गोभी गमलों में लगी हुई है, इस तरफ भी काफी। और ये हमारी बंद गोभी, ये भी काफी बड़ी हो गई है, इसमें 9 बंद गोभी लगी हुई है, काफी पास पास हैं, अंदर हैं। इसी में ये हमारा टमाटर का प्लांट उभाया था तो हटाया नहीं हमने। और ये देखिए, ये कुछ प्याज भी हमने लगाए थे जो फूल गए, इनके सीड्स भी तैयार होने लगे हैं। ये इस तरफ ये भी अभी सीड्स बन रहे हैं, और ये भी देखिए अभी 2-3 में अभी फिर सीड अभी बन रहा है, खुला नहीं है इसका। कुछ टमाटर जो पकने लगे हैं उनको देखिए हम तोड़ लेते हैं, ये ज़्यादा, ये देखिए कुछ कुछ रेड होने लगे हैं, तो ये अभी जब ये लगे रहते हैं तो ये पकने में सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेते हैं। अभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा टमाटर हैं जो बाजार से आए थे, इसलिए अभी इन ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, बस इतनी। बंद गोभी भी अभी बढ़ रही है, इसको भी सोचते हैं दूसरे दौर में ही तोड़ेंगे। ये बैंगन हमारे जो पिछली वर्ष के प्लांट हैं, और तो हमने सारे हटा दिए थे, ये 2 प्लांट रखे थे, और ये बैंगन हमने बीज के लिए रख छोड़ा था, देखिए पक गया है, अब सीड भी इसके अंदर तैयार हो गए होंगे। ये एक और बंद गोभी हमारी इस तरफ है, ये हमारे मिर्च के प्लांट हैं, और देखिए इनमें मिर्च पक गई है, रेड हो गई है, और इस मिर्च को भी अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए सारी मिर्च के प्लांट लगे हुए हैं, इस वाले में फिर ग्रोथ हो रही है, देखिए मिर्चें आने लगी हैं, फूल लगे हुए हैं काफी। ये देखिए हमारे फूल गुलदस्ते की तरह, गुलाब का अभी कली निकल रही है, और इस बार हमारे गेंदे बहुत कम लगे हुए थे, लेकिन यही 2-4 प्लांट हैं, अब कुछ नए प्लांट तैयार हो रहे हैं। और ये सब गुड़ैल, ये सब हमारे पुराने प्लांट ही है। स्ट्रॉबेरी है देखिए, थोड़ा फूल निकलना है, और ये स्ट्रॉबेरियाँ तैयार होने लगी हैं तो तीनों में, और ये देखिए फूल अभी नीचे निकलना है, और इसमें अभी ये देखिए हमारा सरसों का प्लांट, और ये बिल्कुल खेतों से भी ज़्यादा देखिए बड़ा हुआ है, एक ही प्लांट है पूरा, कितना ज़्यादा बड़ा है देखिए, और कितना बढ़िया फल इसमें लगे हुए हैं, और 15-20 दिन और लगेगा इनकी, इसकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ ये देखिए हमारे टमाटर इसमें भी लगे हुए हैं, देखिए टमाटर भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, देखिए नीचे से, और फूल, कोई भी फूल हमारा ड्रॉप नहीं हो रहा है, हर फ्लावर फल में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए पूरा गुच्छे में फ्लावर लगे हुए हैं। ये हमारे चेरी टमाटर का प्लांट है, और हमने बहुत सारे बोए थे लेकिन एक ही प्लांट चला, ऐसे अभी 3-4 टमाटर हम पहले तोड़ भी चुके हैं, और हमने उनको बीजों के लिए रख छोड़ा है। इसमें कुछ गाजर भी नीचे लगी हुई है, और देखिए
एक फूल गोभी इसमें भी लगी हुई है। इतने सारे प्लांट थे, जहाँ हमको जगह मिली हर जगह हमने लगा दिया। ये भी देखिए हमारे, इसमें भी टमाटर के कुछ प्लांट लगा दिए थे, और ये देखिए गुच्छों में आना फिर इसमें भी शुरू हो गया। फ्लावर सब पूरा फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरफ भी ये देखिए छोटे छोटे टमाटर सब फ्रूट में, ये देखिए ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं। ये छोटे छोटे पूरा गुच्छे में टमाटर लग रहे हैं। हमारी सब्जियों की ग्रोथ पिछले साल से इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये देखिए हमारे गाजर के, ये गाजर अभी हम एक थोड़ी बहुत एक दो हार्वेस्ट भी करेंगे। देखिए इसमें ऊपर कुछ दिखने भी लगी हैं, ये देखिए ऊपर दिखने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। और एक उस तरफ है, गाजर का इसमें भी लगा हुआ है। ये सब हमने ट्रांसप्लांट किए हुए हैं गाजर के, एक ही में थे, बहुत सारे थे। थिनिंग करने के बजाय हमने इनको चार पांच जगह ऐसे लगा दिया, और भी कई जगह थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, तो सब बढ़ रहे हैं। ये एक थोड़ी ग्रोथ उनकी रुक गई थी, फिर बाद में अच्छी हो गई, लेकिन काफ़ी जगह गाजर लगी हुई है हमारी। ये हमारे पपीते का देखिए प्लांट है, और ये उस छोटे से गमले में लगा हुआ है। इसमें फिर सरसों हमारी देखिए अभी भी फूली हुई है काफ़ी सारी, ये देखिए इस तरह लगी हुई है। बल्कि इसको ये अपने से जमाई थी, हटा देना चाहिए था, लेकिन कोई भी हो भाई, हमारे अलावा और भी जो भी गार्डन लवर होंगे, बड़ी बुरी आदत होती है उनकी, कोई चीज़ होती फिर कहते छोड़ो हटाओ ना, लालच आ जाता है। तो वही है, अब लगी रही, इसलिए हमारे टमाटर के प्लांट ज़्यादा इसमें बढ़ नहीं पाए, लगे हैं लेकिन बढ़ ज़्यादा नहीं पाए हैं। और ऐसे ये देखिए बड़े बड़े गमले हैं, इनमें भी ये राई सरसों अपने से जमाई थी। देखिए गाजर का इसमें भी हमने ऐसे लगा दिया था, ट्रांसप्लांट कर दिया, देखिए इसमें भी बढ़ रहा है। ये हमारे डहलिया का प्लांट है, जो छोटे छोटे प्लांट हम लोग कंपनी बाग से लेके आए थे नर्सरी से। तो देखिए कितनी बढ़िया इनकी ग्रोथ है। इसमें भी एक गोभी लगी हुई है, इसमें भी देखिए धनिया बोए हैं। ये सब वो गत्ते हैं छोटे छोटे कार्टून के, अब कहीं नहीं जगह थी तो क्या करते हैं, इस तरह बो लिया इनमें हमने। और ये हमारा मिनिएचर गुलाब है, इसको चाइनीज भी बोलते हैं, चाइनीज गुलाब। और एक गोभी ये दूसरे कार्टून में लगी हुई है, और देखिए इसमें भी धनिया काफ़ी बड़ी बड़ी अभी बढ़ रही है। एक मूली भी निकाल लेते हैं, वैसे आज बाजार से बहुत मूली आई है अपने यहाँ, लेकिन एक तो देखते हैं साइज भी इसके, देखते हैं कितना बड़ा हो चुका है। वाह ये देखिए कितना अच्छा साइज है, इसकी मोटाई देखिए। इसी तरह इसमें काफ़ी लगी है, हम ज़्यादा तोड़ेंगे नहीं, क्यों बिना ज़रूरत के सब्जियाँ तोड़ना भी अच्छा नहीं है, जब ज़रूरत हो तब निकालना अच्छा होता है। अब ये देखिए बढ़ती रहेगी, कौन सी गाजर इसमें बड़ी है ज़्यादा, ये लग रही है, ये चुन्नू सी निकली है। अभी हमारी छोटी है गाजर, लेकिन साइज सही से बन रहा है, नहीं निकालेंगे अभी, गाजर में अभी निकालने में टाइम है। हमारी जो भी ये सर्दियों की सब्जियां थी इस बार भी हमारी लेट हो गई थी, और सीडलिंग हमारी काफ़ी लेट हुई थी, उसके बाद इनका ट्रांसप्लांट भी लेट ही हुआ था। उसके बाद भी देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया, वाह क्या गोभी है, पूरा जंबो साइज निकली है। और हमारी गोभी तो अभी आप
देख ही चुके हैं कितनी ज्यादा लगी हुई है। बंद गोभी अभी हमारी बढ़ रही है, अभी हम आज हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए टमाटर भी सारे लगे हुए हैं, ज़्यादा तोड़े नहीं हैं। और ये मूली सिर्फ, देखिए गाजर तो बहुत छोटी निकली है, अभी इसको बढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, कम 15-20 दिन में बढ़िया सी ग्रोथ होगी इसकी तोड़ने लायक।